तो चलिए दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ आपके लिए दोस्तों 2023 में चलने वाली ये जो लेटेस्ट सेल है जिसका नाम है बिग बिलियन डे सेल अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। एप्पल के फोन के बीच में दोस्तों इंटरेस्ट लेने वाले आप वो लोग हो जो आईफोन 12 से लेकर आईफोन 13 के बीच में कोई भी फोन आप परचेज करना चाहते हो, तो अगर आप iOS फोन पहली बार ले रहे हो तो आपको दोस्तों इसके प्राइस जानने चाहिए और आपको बहुत अच्छा एक डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास बजाज का कार्ड है तो इससे आप कैसे परचेस कर सकते हो ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेल चलने वाली है इसके बीच में प्राइम मेंबरशिप वालों के लिए बहुत ही अच्छी डील आने वाली है, और अगर आपने दोस्तों प्राइम मेंबरशिप नहीं ली तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको अच्छा डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। तो आपके लिए दो तीन ऑप्शन मैं साथ में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आईफोन 12 से। तो सबसे पहले आईफोन 12 में हमें मिलने वाला जो प्राइस है, देखो दो वेरियंट है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 64GB वेरियंट एंड 128GB वेरियंट। ये सबसे लो बजट में आपको मिलने वाला है। आईफोन 12 का दोस्तों बजट आपको 64GB वेरियंट का देखने को मिलेगा, प्राइस 35,000 रुपीज, और 5000 में 64GB वेरिएंट आप परचेज कर सकते हो। इसके ऊपर अच्छी खासी आपको 25-30% की ऑफ देखने को मिलेगी, और 128GB वेरिएंट बताऊं तो ये आपको 40,000 बजट तक मिलेगा, और डिस्काउंट वगैरह लगाकर आप यही 38,000 और 37,000 का परचेज कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है आईफोन 12 प्रो। दोस्तों 12 प्रो का जो प्राइस होगा वो आपको मैक्सिमम 260,000 तक का दोस्तों प्राइस देखने को मिलेगा। आईफोन 12 प्रो थोड़ा सा महंगा चलेगा, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आईफोन जो 12 प्रो है वो एक रेयर फोन है, और तीन कैमरेज वाले फोन ऑब्वियसली दोस्तों महंगे होते हैं। जो 12 प्रो मैक्स है उसका प्राइस आपको 75,000 रुपीज तक का दोस्तों देखने को मिल सकता है, 75,000-80,000 तक का आपको बजट जाएगा। लेकिन ये जो 64GB 128GB वेरिएंट ये सबसे लो बजट में जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों ओनली टू कैमरेज के साथ आता है, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा कम है। तो बात करते हैं आईफोन 13 से। तो ये दोस्तों 128GB वेरिएंट आप परचेस करना, 64GB नहीं 128GB वेरिएंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 128GB वेरिएंट आप परचेस करना, ये आपको 43,000 का मिलेगा आईफोन 13। तो 43,000 से सेल स्टार्ट होगी, वो भी स्टार्टिंग के बीच में, जब दोस्तों सेल स्टार्ट हुई वही टाइम आपको 43,000 का मिलेगा। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको 45,000 का मिलेगा, फिर 50,000 का चला जाएगा, धीरे धीरे करके 55,000 तक चला जाएगा। ऐसे आपको दोस्तों प्राइस मिलने वाला आईफोन 13 का, जब सेल स्टार्ट होगी तो उसी आपको परचेज कर लेना है। तो नेक्स्ट बात आती है आईफोन 13 प्रो की। आईफोन 13 प्रो थोड़ा महंगा होगा, जी हाँ, आईफोन 13 प्रो दोस्तों 75,000 तक का दोस्तों प्राइस जाएगा 13 प्रो जो है, क्योंकि तीन कैमरास के साथ आता है, और 13 प्रो जो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स आपको मिलेगा दोस्तों 90,000 के अराउंड, 90-95,000 के अराउंड दोस्तों प्राइस जाएगा, क्योंकि तीन कैमरास वाले फोन के ऊपर भाई ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं आपको मिलेगा तीन कैमरास वाले फोन के ऊपर, तो इसीलिए आप आईफोन 13 के साथ जाना। 13 प्रो अगर तीन कैमरास अगर आपको चाहिए फिर तो आप दोस्तों अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। है आपके पास क्रेडिट कार्ड तो आप इससे दोस्तों अच्छा खासा 3,000 का डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आप जब भी दोस्तों परचेस करोगे आईफोन अमेज़न फ्लिपकार्ट के बीच में, दोनों में जब आप दोस्तों ऐड टू कार्ड करोगे क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट करोगे, उसी वक्त आपको वहां ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा, 3,000 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 50,000 का फोन है 47,000 मिल जाएगा, अच्छा खासा ऑफ तो पहले ही हमें मिल जाएगा, उसके बाद 3,000 का ऑफ और लग जाएगा। तो आप दोस्तों 40,000 बजट तक आईफोन 13 परचेस कर पाओगे, और आईफोन जो 12 है वो आपको दोस्तों 33,000 का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है इतना लो बजट में आपका अगर लक ने साथ दिया तो तभी आपको मिल पाएगा। तो अगर आपके पास बजाज का कार्ड है दोस्तों, देखो यार कि बजाज के कार्ड के ऊपर ना एक इशू आता है कि अगर आप बजाज के कार्ड से कोई और आपके पास अगर कोई शॉप वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप बजाज कार्ड के थ्रू उनसे किस्तें करवा सकते हो, तो आप उनके पास जाकर कर सकते हो, क्योंकि बजाज कार्ड से आपको दूसरों से ही भाई करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका जीएसटी नंबर बना हुआ है, जीएसटी नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपने जीएसटी नंबर बताना है तो आपको बहुत सारे प्रूफ्स शो करने पड़ते हैं, वैसे आपको अगर डिटेल में बताऊंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बनाना चाहते हो तो उसके लिए अच्छे खासे भाई प्रूफ लगते हैं, बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, और आपका एक बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस के साथ आपको एक लाइसेंस मिलता है। ये सारी चीज़ दिखाने के बाद आपका एक जीएसटी नंबर बन पाता है। जीएसटी नंबर बनाने के लिए आप कोई यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हो, वैसे मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई है, जरूर तो वैसे पड़ी नहीं। अगर आपने दोस्तों आईफोन परचेस करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, जब सेल स्टार्ट होगी तो उसी वक्त आपको रेडी रहना है, रेडी रहोगे तो आईफोन परचेस कर पाओगे, अगर लेट करोगे तो हाथ से जाओगे। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है सुझाव है कमेंट में बता देना,
तो पूछना भाई नीचे कमेंट में लिखकर। एक चीज बताना चाहूंगा कि सेल की भाई लाइव स्ट्रीम अब शुरू होने वाली है हमारे चैनल पर, तो बस आने वाले हैं, थोड़े दिन बाकी है, उसके बाद हम आईफोन की भाई लाइव स्ट्रीम शुरू कर देंगे, लाइव आपको प्राइजेस कंफर्म करेंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।